केदारनाथ मंदिर का गर्भगृह अब स्वर्णमंडित हो गया है। 550 सोने की परतों से गर्भगृह की दीवारें और छत नए स्वरूप में दिख रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के एक दानी के सहयोग से बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने ये काम किया है। एएसआई के अधिकारियों की देखरेख में ये काम किया गया है और बुधवार को कार्य पूरा हो गया। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को स्वर्णमंडित करने के लिए पहले चांदी हटाई गई। मंदिर समिति के अधिकारियों की मौजूदगी में चांदी को हटाने के बाद मंदिर के भंडार गृह में सुरक्षित रख दिया गया और उसके बाद चांदी के स्थान पर तांबा लगाया गया। गर्भगृह की दीवारों पर तांबा चढ़ाने के बाद नाप लिया गया और फिर इस तांबे को निकाल कर वापस महाराष्ट्र ले जाया गया, जहां तांबे की परत की नाप पर सोने की परत तैयार की गई। सोने की ये परतें मंदिर के गर्भगृह, चारों खंभों और स्वयंभू शिवलिंग के आसपास की जलहरी में भी लगाई गई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और केंद्रीय भवन अनुसंधान रुड़की और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में BKTC ने गर्भगृह, जलेरी और छत पर सोने की परतें लगाने का काम किया। इस काम में 19 मजदूर लगे हुए हैं। गौरीकुंड से घोड़ा खच्चरों से सोने की इन 550 परतों को केदारनाथ तक पहुँचाया गया। इन परतों को नई दिल्ली से पुलिस की कड़ी सुरक्षा में गौरीकुंड तक पहुंचाया गया था। इससे पहले मंदिर के गर्भगृह, जलेरी और छत पर चांदी की परतें लगी थी। BKTC के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि गर्भगृह को स्वर्णमंडित करने का काम लगभग पूरा हो चुका है। बीते 3 दिनों से ये काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि सोने की परत लगाने से पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, केंद्रीय भवन अनुसंधान रुड़की और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के दल ने धाम पहुंचकर मंदिर के गर्भगृह का निरीक्षण किया था। उनकी रिपोर्ट के बाद गर्भगृह में सोने की परत लगाने का काम शुरू किया गया।